आप तो जानते होंगे कि अभी जब चुनाव होते हैं तो जब कोई पार्टी जीतती है तो उसकी विरोधी पार्टी ये ज़रूर बोलती है कि ईवीएम मशीन ख़राब था, ईवीएम मशीन को हैक कर लिया गया, इसी कारण से हमारे वोट काउंट ही नहीं हुए और विरोधी पार्टी जीत गई। तो अब क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को भारत का पहला ईवीएम हैकर कहा जाता है, और किसके द्वारा कहा गया ये और क्यों कहा गया, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन महात्मा गांधी को भारत का पहला ईवीएम हैकर क्यों कहा गया, तो इसके पीछे कारण यह है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी के बीच में ये प्रस्ताव रखा कि हम वोटिंग द्वारा अर्थात लोकतंत्र के नियमों के द्वारा वोटिंग के द्वारा हम ये तय कर लेंगे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब गांधी जी द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कांग्रेस कमेटी को कि वोटिंग द्वारा हम ये चयन कर लेते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तब गांधी जी के प्रस्ताव को कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया और तब वोटिंग हुई। और जब वोटिंग हुई तब 14 में से 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और उसमें से एक भी वोट नेहरू को नहीं मिला था। तब नेहरू तो नाराज़ हो गए और गांधी जी तो चाहते थे कि नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तब गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि आप अपना पद वापस ले लीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। तब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी की बात को मानते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया और बन गए नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और जब बाद में गांधी जी से ये पूछा गया कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, तब गांधी जी ने यह जवाब दिया क्योंकि नेहरू इंटरनेशनल पॉलिसीज को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों से विदेशियों से अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकता है, इसी कारण से नेहरू का प्रधानमंत्री बनना आवश्यक था। जबकि आप एक कौन सी सोच की बात है भाई, आप देख लीजिए देश को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या कमी थी, ये सवाल तो मेरे मन में उठता है। और ये मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप बताइए, देश को एक करने वाले इतने सारे रियासतों को भारत में मिलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या नेहरू, जिसने केवल कश्मीर का एक सौंपा गया था जिम्मेदारी और वो उसे भी ठीक से नहीं हम हल कर पाए, अमेरिका के पास मदद लेने पहुँचे थे। तो आप बताइए कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था भारत का। लेकिन क्या हुआ, बापू ने कहा कि नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस्तीफा दे देते हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। तो इसी कारण से, क्योंकि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम ही लोकतांत्रिक चुनाव था, वही लोकतंत्रों के नियम से नहीं हुआ। आप देख लीजिए भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत का जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव था वही लोकतंत्र के नियमों के साथ नहीं हुआ। तो देख लीजिए आप ये कितने बड़े विडंबना है कि भारत जो लोकतांत्रिक देश बनने वाला था जिसका पहला लोकतांत्रिक चुनाव ही लोकतंत्रों के नियम से नहीं हुआ। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गांधी भारत के पहले ईवीएम हैकर थे, ये इन्होंने कहा है। आपने अपने हाई मॉरल ग्राउंड को स्टार किया और कहा पटेल से, क्या कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है और पटेल जी ने कुर्सी छोड़ दी। पहली ईवीएम हैकिंग तो आपने तब कर ली थी और ओपनली की आपने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको इस बारे में क्या कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था कि या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री सही थे, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और बने रहिए चैनल के साथ ऐसे कुछ जानकारी के लिए।